हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो में आपसे कुछ एक्चुअली बातें करना चाहता हूँ। ओके एंड एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि वो स्टॉक्स एक बेहतरीन स्टॉक्स, आपने एक ऐसे स्टॉक्स को चुनना और निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए मेहनत लगती है। तो कल रात को 4 बजे तक जाग के मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा था तो ये स्टॉक मेरे हाथों में लगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ यहाँ पर बातें करनी चाहिए, देखना चाहिए इस स्टॉक से रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हो स्टॉक से रिलेटेड। पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर जो आपकी आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। एज वेल एज बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। इन वीडियोज को जाकर यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। इसमें मैंने आज ये स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं। एज वेल एज यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये स्टॉक्स मैं कल की डेट में यहाँ पर सोच सकता हूँ, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है। बाकी एक आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे वहाँ पर और हम वहाँ पर बात कर लेंगे। एज वेल एज यहाँ पर एक आपके लिए इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए अगर हम देखते हैं तो देखिए रिजल्ट का सीजन जब भी आता है तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए जब ये भी एक जितनी भी कंपनीज है ना, सबके नंबर यहाँ पर एटलीस्ट आप एक बार देखिए, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे आप जानते हो चाहे ना जानते हो। तो देखिए इतने सारी कंपनीज के नंबर पढ़ना ना एक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, फॉर मी टू, फॉर एवरीवन टू, अगर हम बात करें हम नहीं पढ़ पाते। बट अगर हम सब लोग मिलके, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, अगर सब मिलके इन नंबर्स को पढ़ेंगे और हमारा व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर दे रखा है, ओके, या फिर आप कमेंट में कह सकते हैं। सिंपल करना क्या है, सिंपल इन जो भी कंपनीज है यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर देखिए कल मैंने जितनी भी कंपनीज थी, ओके, 19 तारीख की जितनी भी कंपनी थी, मैं 2 बजे से 4 बजे तक केवल उन्हें एक के रिजल्ट ही पढ़ रहा था और 2-3-4 कंपनी के रिजल्ट इतने बेहतरीन थे कि आपको कह नहीं सकता। उन्हीं में से एक कंपनी आज की डेट में मिलती हुई नजर आई है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इन कंपनी के नंबर आप भी देखना शुरू करें और अगर किसी के, बस ये देखिए कि किसी के रिजल्ट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे किसके बेहतरीन आते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और वो देख के आप केवल नाम हमें मैसेज कर दीजिए उस कंपनी का कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो हर कोई अगर कोशिश करेगा और एक पर्टिकुलर कंपनी आके यहाँ पर हमें कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए तो एक इजी हो जाएगा हम सब के लिए कम्युनिकेट करना, क्योंकि उसके बेसिस पे हम और वीडियो बना के और आगे हम बढ़ सकते हैं और अच्छे शेयर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काम आज से आप लोग भी करना शुरू करें और कोई अच्छी कंपनी आपको मिलती है जिसमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जिसके रिजल्ट एक्चुअली यहाँ पर क्वार्टरली वाइज अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईयरली वाइज अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर नाम मेंशन कर दीजिए उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो उसके ऊपर देख के उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। बाकी मैं तो ट्राई करता हूँ कि सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है उसके नंबर देखें, फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता समटाइम, तो वो आप लोग भी काम किया करें। जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं हमारे, तो देखा करें और इससे आपकी भी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी और हमारे थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी हेल्प होगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं। देखिए जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड। अब मैंने इससे पहले ये नाम नहीं सुना था, ओके, शायद आपने भी ना सुना हो और अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। तो इसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं। ये कंपनी पहली बात तो BSC पे मिलेगी और कोई कहीं नहीं मिलेगी और इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में ही आप सर्च कर सकते हैं, ASRL आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए 2018 में कंपनी आती हुई दिखाई दी, 15 रुपए का शेयर, आज की डेट में 170 और यहाँ पर कल इसके रिजल्ट आए थे और रिजल्ट आते जाते अपर सर्किट। क्यों इसमें अपर सर्किट लगा है? क्योंकि इसके जो रिजल्ट थे ना, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट थे, इसके जो नंबर से माइंड ब्लोइंग नंबर है और जब से ये कंपनी आई है तब से अगर इसके नंबर में आपको दिखाऊंगा ना, आप इससे इंप्रेस हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2020 में 3:4 का यहाँ पर क्या देते हुए नजर आई थी, बोनस देती हुई नजर आई थी। 1 साल पहले यहाँ पर बोनस कंपनी ने इशू किया। कंपनी एकदम फंटास्टिक, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। देखिए कंपनी का जो उद्देश्य है ना, SME कंपनी है तो एक बार देख लीजिएगा, शायद इसमें आप बल्क में ही शेयर ले सकते हैं, लॉट में ही ले सकते हैं। तो देखिए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। एज वेल एज बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पर देखिए ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, ओके, वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं, आयुर्वेदिक। आपको पता ही है भारत किस तरीके से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है कि आयुर्वेद की चीजों से हम ठीक हो। तो वो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। एज वेल एज अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कदम प्रकृति की ओर, तो ये जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती है ओके वो सारी की सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कंपनी करती हुई नजर आती है। और ऑर्गेनिक आपको पता ही है कि लोग कितना ऑर्गेनिक के पीछे भागते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक और अच्छी चीजें बिना इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं खाद आर्टिफिशियल्स जो हम डालते हैं क्रॉप को बचाने के लिए उस केमिकल से रहित हमारा खाना हो तो उसके पीछे भागती है। एज वेल एज यहाँ पर इनके सारे के सारे हर्बल कॉस्मेटिक्स ये सारे के सारे फेस वॉश एज वेल एज क्रीम सोप ये सारे ये क्या बनाते हैं बिट अस के नाम से इनका प्रोडक्ट है ओके ये कॉस्मेटिक बनाते हैं सारे के सारे हर्बल्स इनके प्रोडक्ट होते हैं। और खादी मतलब खादी कपड़े मतलब गांधी जी की राह पे जैसे गांधी जी यहाँ पर खादी कपड़े पहनते थे उसी तरीके से यहाँ पर खादी कपड़े बनाते हैं। एज वेल एज अगर यहाँ पर देखें तो पूरे इंडिया में इनकी शॉप्स है ओके पूरे इंडिया में यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। और क्या नाम है एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल फीड्स में काम करते हैं आयुर्वेद में। बिट एज इसका इनका पर्सनल केयर से रिलेटेड है। बुक एंड अदर में काम करते हैं होम केयर से रिलेटेड स्ट्रिप से रिलेटेड कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पर जाके एक बार कंपनी के बारे में देख लीजिए। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी 184 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। तो मुझे पता नहीं है मैंने यहाँ पर देखा नहीं है तो ये शायद एमएसएमई में एसएमई उसमें हो सकता है तो शायद लॉट में यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया लॉट में नहीं है तो इस बार इसे चेक कर लीजिएगा। मेरी ख्याल से मुश्किल होगा लॉट में तो नहीं होगा ये फिर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए तो पी रेशो 13 का मतलब यहाँ पर सस्ती कंपनी मिल रही है। यहाँ पर देखिए डेट 26% का डेट है कोई प्लेजिंग नहीं है। 170 के आसपास का यहाँ पर शेयर चल रहा है और आरओई काफी बेहतरीन 46। तो ऐसी कंपनी जहाँ पर आरओई इतना हो तो ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग डबल यहाँ पर नजर आ रही है इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू। फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं ₹15 का शेयर एक साइड बेस जोन में चला 2020 तक ओके लगभग 1.5 से 2 साल और उसके बाद जब भागा है तो इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। और जैसे हिंदुस्तान फूड से कंपनी थी ओके वो जिस तरीके से भागती हुई दिखाई थी ना शेयर इसी तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है। और इस शेयर में बड़ा पोटेंशियल है क्यों है क्योंकि यहाँ पर इसके रिजल्ट देखेंगे आप तो देखिए 2020 में यहाँ पर क्वार्टरली 10 करोड़ फिर 15 फिर 23, 28, 31, 38 मतलब हर क्वार्टर में इनका जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे 88 लाख से लेके अभी 4 करोड़ 60 लाख तक यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिजल्ट हाईएस्ट एवर सेल्स हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। एज वेल एज ईयरली बेसिस पे बात करते हैं 2016 में 5 साल पहले अगर बात करें 2 करोड़ की सेल्स थी और अभी की बात करें तो कितने यहाँ पर पिछले 12 महीने में 123 करोड़ की और अभी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 80 करोड़ के आसपास की 79 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी। तो 2 करोड़ से 79 आप समझ रहे 40 टाइम्स होता है और 40 टाइम्स सेल्स 5 साल में हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो जीरो आ रहा था वो 8 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले 12 महीने 14 करोड़ का प्रॉफिट। जब कंपनी इस तरीके से बेहतरीन ग्रोथ दे रही है तो ऐसी कंपनी आपको कब कम में करोड़पति बना दे आपको खुद नहीं पता। थोड़ा सा लॉन्ग इसमें तो लॉन्ग टर्म खेलने में बड़ा मजा आएगा इस शेयर में। रिजर्व्स की बात करें जहाँ रिजर्व 0 था आज के डेट में 17 करोड़ है सितंबर का। बोरिंग की बात करें 7 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग रह गई है ओके। यहाँ पर अगर बात करें और कुछ पैरामीटर्स की तो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं कैश इक्विवेलेंट 89 लाख रुपीज का इनके पास कैश भी है। जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है अभी तक नेगेटिव था या 0 था आप देखिए 1 करोड़ रुपए आ गया है यहाँ पर जो भी पैसा। और इसके अलावा आरओई देखेंगे तो देखिए 58-24 यहाँ पर थोड़ी कम हुई फिर दोबारा 2021 में सबसे 47 होती हुई नजर आई है। तो कंपनी का यहाँ पर दिशा दिखा रही है कि ऊपर की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है नीचे नहीं आ रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 62.99% की होल्डिंग और यहाँ पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 37 दिखा रहा है पर 37 में से भी देखिए शशांक जोशी है यहाँ पर 6.8% 1.36 इन्होंने ले रखी है यहाँ पर 2.56% की इन्होंने ले रखी है 2% की इन्होंने। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2, 4, 5, 6, 12, 13% की हिस्सेदारी आती है लगभग यहाँ से 13% निकाल देते हैं तो यहाँ पर 24% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास नजर आती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े लोग हैं। और ये शेयर कोई ऐसे नहीं भाग रहा है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट देखिए यहाँ पर जरूर अपर सर्किट लोअर सर्किट में चला था बट अभी एक नॉर्मल वे से ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है शेयर में। और जो वॉल्यूम है वो हाईएस्ट है यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रहे हैं क्योंकि कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। परफॉर्मेंस के बेस पे ही यहाँ पर देखिए तो आज की डेट में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। आई डोंट नो कब इसका अपर सर्किट खुलेगा बट अगर ये शेयर आपको नीचे लेवल पर मिलता है और ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिट्रेस होके नीचे 50 DMA के आसपास 20-30 रुपए यहाँ पर नीचे मिलता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पर बाइंग करने की, और ये शेयर आपको बहुत जल्दी 1000 का लेवल टच करके दिखा, क्योंकि ऐसे शेयर होते हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के बेसिस पे ओके 1000 के लेवल पर यहाँ पर टच करते हुए दिखाई देते हैं और मल्टी बैगर बन जाते हैं। तो ऐसे शेयर की तरफ हमेशा ध्यान देना है, इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर आप डेली बेसिस पे सारी की सारी कंपनीज के रिजल्ट पढ़िए, और जो भी रिजल्ट अच्छे आपको लगते हैं यहाँ पर हमें कमेंट कर दीजिए हमारी वीडियोस पे जो आप देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, तो आपको भी एक अच्छा शेयर मिलेगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मिलेगा, हमारे थ्रू हमें भी मिलेगा और हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों को मिलेगा। और इसी तरीके से एक साथ बढ़ के जो हमारा टारगेट है 1000 करोड़ रुपीज का विदिन 20 to 30 ईयर्स, वो हम अचीव करते हुए नजर आएंगे। कोई भी इसमें बिग डील वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा हमें समझ से ध्यान से काम करने की जरूरत है, कब हमें चीजें लेनी है कब हमें बेचनी है, वो चीज में ध्यान रखने वाली चीज है, दैट्स इट। तो मार्केट अभी बुल रन में है, मार्केट बुल रन में भी नहीं होगा ना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम पैसा तब भी बन के दिखाई देगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी बुल रन वाली नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा सपोर्ट करना, लोगों के साथ जोड़ना। और अगर हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करें, वहाँ पर पर्सनल सर्विसेज से रिलेटेड भी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर आपको सर्विस दे दी जाएगी विद इन वेरी लो चार्जेस। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें और भी वीडियोज डालिए, यहाँ पर देखिए, सीखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो डेली आती है, तो मार्केट क्लोज के होने के बाद हम एक आपको चैनल को सर्च करें और आपको वीडियो मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।